दिल्ली के बॉर्डर से आज से लौटने लगे आंदोलनकारी। केएमपी एक्सप्रेसवे से किसानों का फतेह मार्च। सिंघू बॉर्डर पर दिखा विजय दिवस का उत्साह, नारेबाजी करते दिखे किसान। ट्रैक्टरों और गाड़ियों में बांधा जा रहा है सामान, घर लौटने की तैयारी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी हलचल, किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले जत्थे को किया रवाना। बिजनौर के लिए रवाना हुआ किसानों का जत्था, ट्रैक्टर पर नारे लगाते दिखे किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा 15 दिसंबर तक खाली हो जाएगा धरना स्थल। हमेशा ये पुल, ये लोग, ये प्रेस के लोग, जो हर रोज का हमारा रूटीन था वो लोग याद रहेंगे। टिकरी बॉर्डर पर डीजे का धमाल, नाचते गाते दिखे किसान। सुबह से ही टिकरी बॉर्डर से हटाए जाने लगे टेंट, खाली की जा रही है सड़क। टिकरी बॉर्डर पर बांटी जा रही है मिठाइयां, किसान एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा का मुख्य मंच तोड़ा गया, निहंग भी वापसी के लिए तैयार। रवानगी से पहले एक साथ जुटे किसान, धरना स्थल पर की प्रार्थना। सिंघू बॉर्डर पर कारों की लगी कतार, विजय मार्च का काफिला। पंजाब किसानों के घर वापसी पर जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर भांगड़ा। पंजाब और हरियाणा के किसान निकले घर की तरफ, फूल बरसा कर स्वागत। विजय दिवस का जश्न देश के कई इलाकों में, जिंद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर नाच रहे हैं किसान। बॉर्डर से लौटी महिलाओं का स्वागत, महिला किसानों ने भी किया डांस। हरियाणा पंजाब भाईचारा एकता के खूब लग रहे हैं नारे, किसानों के लिए बने पकवान। 13 दिसंबर को अमृतसर में बड़ा आयोजन, स्वर्ण मंदिर पहुंचेंगे किसान नेता। एसजीपीसी का ऐलान, किसान नेताओं का किया जाएगा सम्मान। फतेहाबाद में विजय दिवस का जश्न, दिल्ली से लौट रहे किसानों का स्वागत। किसानों के लिए चल रहे लंगर स्थल पर, बन रही है मिठाइयां, हाईवे पर नाच रहे किसान। किसान संगठनों ने कहा आखिरी जत्थे तक चलता रहेगा स्वागत कार्यक्रम। फरीदकोट में आंदोलन की जीत पर त्यौहार जैसा माहौल, गांव की महिलाएं गा रही हैं गीत। दिल्ली से आए किसानों का जबरदस्त स्वागत, शहीद किसानों को किया गया याद। पीएम मोदी आज बलरामपुर के दौरे पर, सीडीएस जनरल विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि, सरयू नहर परियोजना का किया उद्घाटन। सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम। पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना का किया उद्घाटन, कहा तेजी से पूरा हो जाएगा योजना का काम। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर। पीएम मोदी ने कहा देरी की वजह से 100 करोड़ का काम 10,000 करोड़ में पूरा हुआ। परियोजना की लागत 9,809 करोड़ रुपए, 5 नदियों को जोड़ा गया। इस परियोजना से 29 लाख किसानों को सीधा फायदा, 6,623 किलोमीटर लंबी है सरयू नहर। सीएम योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार, लिखा 18 कृषि कल्याणकारी परियोजनाओं में 17 का काम पूरा। इस परियोजना को एक समयबद्ध ढंग से, जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया, उस कार्य को आपके मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करते हुए। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, एसपी के शासन काल में 3/4 काम पूरा, 1/4 बनाने में लगे 5 साल। अहमदाबाद के दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह, उमिया माता देवी मंदिर में की पूजा। शाह ने किया उमिया माता कैंपस का शिलान्यास, मंदिर का भव्य परिसर बनाने की तैयारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मेरठ दौरा, बूथ सम्मेलन में शामिल। मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजन, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। कल जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी रैली, सोनिया गांधी का आना अभी तय नहीं। आज सीडीएस जनरल विपिन रावत का अस्थि विसर्जन, गंगा में प्रवाहित किया गया अंतिम अवशेष। हरिद्वार में सीडीएस जनरल रावत की दोनों बेटियों ने पूरी की रस्म, दी गई श्रद्धांजलि। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हरिद्वार में मौजूद, कहा उत्तराखंड के साथ देश को अपूर्णीय क्षति। आगरा पहुंचा विंग कमांडर पृथ्वी चौहान का पार्थिव शरीर, केंद्रीय राज्य कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दी श्रद्धांजलि।
आगरा के दयाल बाग में है पृथ्वी सिंह चौहान का पैतृक निवास, यहीं अंतिम संस्कार। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कुलदीप राव का पार्थिव देह पहुंचा झुंझुनू, पत्नी भी साथ, 2 साल पहले हुई थी शादी। हेलीपैड पर दिया गार्ड ऑफ ऑनर, पैतृक गांव घरडाना खुर्द में अंतिम संस्कार। शहादत यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल, पूरे इलाके में मातम। भुवनेश्वर पहुंचा हादसे में शहीद जूनियर वारंट अफसर राणा प्रताप दास का पार्थिव शरीर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। जैसलमेर में जवानों की जिप्सी हादसे का शिकार, एक जवान की मौत, 2 घायल। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन का दूसरा मामला, जिम्बाब्वे से आया था यात्री। ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल, एलएनजेपी में भर्ती। विदेशों से आए 27 यात्री एलएनजेपी में भर्ती, 25 की रिपोर्ट नेगेटिव। देश में ओमिक्रॉन के कुल 33 मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी काफी अहम है अगले 2 हफ्ते। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने हालात पर जमाई पैनी नजर, आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुलाई बैठक। देश में कोरोना के नए मामले 7,900 से ज्यादा, कल से 6% कम केस। 24 घंटे में कोरोना के 393 लोगों की मौत, सक्रिय केस 93,200 से ज्यादा। सबसे ज्यादा 340 लोगों की मौत केरल में, महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 12 लोगों की गई जान। गुजरात के जूनागढ़ में बनाया रिकॉर्ड, 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य का पहला जिला। डीएम ने हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स समेत मेडिकल टीम को दी बधाई। राजस्थान के पाली में टीकाकरण केंद्र पर पहुंचा दूल्हा, परिवार के साथ लगवाई वैक्सीन। मुंबई में ओवैसी ने किया तिरंगा रैली का ऐलान, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। 2 दिनों के लिए मुंबई में लगी धारा 144, शहर में पुलिस की जबरदस्त तैनाती। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी। डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, पिनाका मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का सफल परीक्षण। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण, दुश्मन पर सटीक प्रहार। अमृतसर में कॉलेज के शिक्षकों का प्रदर्शन, 7वें वेतन आयोग को लेकर धरना। टीएमसी ने गोवा के लिए चुनावी वादे का किया ऐलान, लागू करेंगी गृहलक्ष्मी स्कीम। गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत घर में महिला मुखिया के खाते में हर महीने 5,000 रूपए देने का वादा, गोवा के 3.5 लाख परिवारों को फायदा। 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की रैली, चुनावी अभियान की शुरुआत। 71 की लड़ाई में युद्ध वीरों को सम्मानित करेंगे राहुल गांधी, सीडीएस जनरल विपिन रावत को देंगे श्रद्धांजलि। डोंबिवली में शिवसेना के 3 पूर्व नगर सेवकों को 2 साल की कड़ी सजा, 50,000 रूपए जुर्माना। पटना सिटी में लेबर एनफोर्समेंट अधिकारी दीपक शर्मा के घर छापेमारी, 2.25 करोड़ कैश के साथ गहने बरामद। कन्नौज में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के फरक्का में नकली नोट जब्त, 4 लाख के नकली नोट के साथ महिला गिरफ्तार। शिरडी के एक दुकान में आग, 4 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू। छपरा में कबाड़ गत्ते की आड़ में शराब तस्करी, 5,000 लीटर से भी ज्यादा शराब जब्त। असम के कामरूप में हाथियों को भगाने के लिए फायरिंग, 2 साल के बच्चे की मौत, मां घायल। यूपी के बस्ती में तालाब में मिला 11 गोवंशों का शव, सोशल मीडिया पर चल रहा है वीडियो। जिलाधिकारी ने बताया गोवंशों के शरीर पर चोट के निशान नहीं, डूबने से मौत की आशंका। भरतपुर में पकड़ा गया हनी ट्रैप गैंग, 5 लाख की मांगी थी रकम। कुशीनगर में नदी के बीच में खराब हुई नाव, 200 लोग पानी में फंसे। 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, स्थानीय लोगों ने कहा पुल नहीं होने से परेशानी। बिजनौर में मंदिर के पुजारी की हत्या, लूटपाट की भी आशंका। बिहार के सिवान में दिन दहाड़े 50 लाख की लूट, हथियार लहराने वाला वीडियो वायरल। झारखंड के गुमला में हाथियों के झुंड से दहशत, झुंड में है 28 हाथी। कानपुर देहात में पुलिस पिटाई से घायल कर्मचारी रजनीश शुक्ला की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल से लाया गया हैलट अस्पताल। हथकड़ी के साथ अस्पताल में कराया गया भर्ती, थाने में भी पिटाई का आरोप, 5 घंटे में 3 FIR। गोद में लिए बच्चे के साथ पिटाई का वीडियो वायरल, इंस्पेक्टर सस्पेंड।
जिला अस्पताल में धूल मिट्टी फैलाने को लेकर कर्मचारी के साथ प्रदर्शन कर रहा था रजनी शुक्ल। पुलिस ने मौके पर जाकर पिटाई की। अस्पताल कर्मचारियों का आरोप, निर्माण कार्य की वजह से अस्पताल में भारी गंदगी, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। कन्याकुमारी की एक घटना सुर्खियों में, जिप्सी समुदाय के परिवार को बस से उतारा गया, बस कंडक्टर ने फेंक दिया सामान, पत्नी और बच्चे रोते दिखे। आंध्र प्रदेश के गंटू में दर्दनाक हादसा, 5 बच्चों के साथ शिक्षक कृष्णा नदी में डूबे। वेद पाठशाला में पढ़ते थे सभी बच्चे, शिक्षक के साथ गए थे नदी में नहाने। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 3 भालुओं का आतंक, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के सीकर में कार लूटने वाले गिरफ्तार, एक ही गांव के रहने वाले हैं आरोपी। ड्राइवर को फेंक कर भाग गए थे बदमाश, पुलिस ने 5 घंटे में 300 किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। खत्म हुआ विकी कौशल और कैटरीना की शादी का समारोह, सवाईमाधोपुर से लौटा सितारों का जोड़ा। कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर डाली हल्दी के रस्म की तस्वीर, हाथों में लगी थी मेहंदी। एक दूसरे को हल्दी लगाते हुए देखी तस्वीर, गुलाब के पंखुड़ियों की बारिश।